जय हिंद साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग मेनिया में तो दोस्तों आ गया हूँ मैं हर बार की तरह आज भी आपके लिए नई भर्ती लेके तो अभी के वीडियो में हम देखेंगे आर आई एम एस इम्फाल की भर्ती है दो दो हज़ार तेईस की है जिसमें मैं आपको टोटल वीडियो में बताऊँगा नोटिफिकेशन क्या है अप्लाई की डेट क्या है इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है इसमें सैलरी किस बेस पे मिलना है और ऑल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और इसमें कौन से स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है हर चीज़ आपको डिक्लेयर में बताऊंगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए तो हम आज वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों ये भर्ती आई हुई है आर मतलब इसका फुल मीनिंग है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल मणिपुर की ओर से यह भर्ती आई हुई है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए ठीक है इनका जिसमें भी जीएनएम है जिसका भी बीएससी नर्सिंग हुआ हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ठीक है थीके? टोटल वैकेंसी इसमें चौपन है फिफ्टी फोर है ना एज लिमिट इसमें रखी गई है इक्कीस से चालीस साल तक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था सात मार्च दो के दिन और इसके फॉर्म भी उसी दिन स्टार्ट हो चुके थे तो इसकी क्लोजिंग की डेट है अट्ठाईस मार्च दो के दिन ये फॉर्म डेट इसकी क्लोज़ होना है तो इसमें बताऊंगा मैं आपको कि ऑनलाइन मोड है या ऑफलाइन मोड है वो भी आपको वीडियो के एंड बताऊंगा वीडियो दो, दोस्तों वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी छूटना नहीं चाहिए तो दोस्तों इसमें ये दोस्तों इसमें प्रोसेस होना है इंटरव्यू होना है आपको और मेरिट लिस्ट लगना है तो इंटरव्यू की डेट तो आपको मैं आ, नोटिफाई कर दूंगा कि कब आना है उसके बाद आपका एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन मोड है लेकिन आप एक बार ऑनलाइन मोड पे भी जा सकते हो जॉब की लोकेशन आपको मणिपुर में मिलना है ठीक है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बताता हूँ मैं डब्ल्यू तो देखिए दोस्तों आर एम एस इम्फाल नर्सिंग ऑफिसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है इसमें आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए जी होना आवश्यक है और बी नर्सिंग भी होना चाहिए और उधर भी आपका नर्सिंग से रिलेटेड जो भी डिप्लोमा है या बैचलर हो वो भी आपको चल जाएगा ये देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको स्क्रीन मार के रख लेना है कि, मतलब आप फॉर्म अप्लाई करो उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा ठीक है तो दोस्तों देखिए इसमें आपको फ़ीस कितनी पे करना है जनरल और ओबीसी और ईएसएम और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को टोटल फ़ीस 500 पे करना है और एस और ई वालों को और पी वालों को कोई भी फ़ी पे नहीं करना है आपको पेमेंट मोड है आपको बैंक का ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा पाँच सौ का किसी भी बैंक से ड्राफ्ट बनेगा फिर आपको ऑनलाइन चालान ऑफलाइन चालान भरना पड़ेगा तो दोस्तों देखिए इसी के साथ मैं आपको ले चुक ले आ चुका हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्योंकि जो इस चैनल पे जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको जो ऑफिशियली चीज़ आएगी वही चीज़ आएगी आपको गुमराह करने के लिए या व्यूज़ के चक्कर में कोई भी फेक चीज़ आपको अब आप तक नहीं आएगी तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ये देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसमें आपको लेवल सेवन का सैलरी मिलना है ठीक है इसमें ओदर वालों की थर्टी वन पोस्ट है ओबीसी वालों की इलेवेंथ है और एससी वालों के लिए नाइन पोस्ट है और एसटी वालों के लिए थ्री पोस्ट है टोटल ठीक है तो ठीक है तो दोस्तों अभी के वीडियो में इतना ही थैंक यू